नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कांग्रेस के बड़े नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दीवार पर लिखी इबारत साफ नजर आ रही है कि हमारे बहुआयामी चर्चित और लोगों की आकांक्षा और आशा बन चुके तेजस्वी यादव की अगुवाई में युवा टीम बड़ी जीत हासिल करने जा रही है और सरकार बनाने जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा है कि बिहार में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है क्योंकि लोग ऐसा ही चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महाविजय की उम्मीद जताई है। मशहूर फिल्म अभिनेता ने कहा कि 10 नवंबर को मतगणना वाले दिन राजद नेता तेजस्वी यादव के आलोचक खामोश हो जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए के नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव पर निजी हमले किए जा रहे हैं क्योंकि विरोधी दल 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से पूरी तरह घबराए हुए हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि दीवार पर लिखी इबारत साफ नजर आ रही है कि हमारे अपने बहुआयामी चर्चित और लोगों की आकांक्षा एवं आशा बन चुके तेजस्वी यादव की अगुवाई में युवा टीम बड़ी जीत हासिल कर रही है और सरकार बनाने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है क्योंकि लोग ऐसा ही चाहते हैं। उन्होंने विकास के मुद्दों के बारे में बात नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन अब कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर जो उत्साह है यह देखकर आपको जीत का विश्वास हो जाएगा। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव का कम अनुभवी होने संबंधी आलोचना को लेकर सिन्हा ने अपने खास अंदाज में कहा कि 10 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद तेजस्वी के आलोचक पूरी तरह खामोश हो जाएंगे। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के बागी नेता हैं और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली पार्टी है। सिन्हा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पुरानी शानदार साहसिक और सुंदर पार्टी है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस युक्त भारत बन रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि प्रधानमंत्री उनके मित्र हैं और प्रधानमंत्री के पद पर होने की वजह से इस देश के अभिभावक हैं, परंतु उन्होंने एक बार भी समस्याओं के समाधान के बारे में बात नहीं की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए एक भी वादे पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेजस्वी को जंगल राज के युवराज कहने के लिए भी सिन्हा ने प्रधानमंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में चीन, 3 तलाक, अनुच्छेद 370 इत्यादि के बारे में बात करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि बिहार में विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नौकरियां, प्रति व्यक्ति आय और किसानों के बारे में बात करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।